आपको जैसा मालूम है और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि 1959 में आज के ही दिन हमारी एक टुकड़ी जो भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए निकली थी उस पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया। ये स्टोली में आईबी के लोग थे और सीआरपीएफ के लोग थे और इस घात लगाकर जो हमला हुआ उसमें 10 लोग 10 सीआरपीएफ के जवान और ऑफिसर शहीद हुए। उसके बाद 1960 में ये निर्णय लिया गया कि इस दिन को हम पुलिस शहीद दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाएंगे और 1961 से लगातार आज तक हर साल हम 21 अक्टूबर को पुलिसी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हम पिछले एक साल की जो गिनती है वो 1 सितंबर से जिस साल में मनाते हैं उस साल के 31 अगस्त तक की गिनती गिनी जाती है। उसमें जितने भी लोग शहीद होते हैं पुलिस के अर्धसैनिक बलों के जितने भी लोग शहीद होते हैं उन सब का जैसा आपने देखा शोक पुस्तिका आई थी उसमें नाम लिखे होते हैं। इस बार 292 लोगों ने शहादत दी देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करते हुए पुलिसकर्मियों ने, अर्धसैनिक बलों ने, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी इन सब के पुलिस आर्म पुलिस सभी के 292 लोगों के 292 लोगों ने शहादत दी। इसमें हमारे त्रिपुरा का भी एक राइफलमैन एक जवान शामिल है, उसका नाम है पलाश ज्योति दीवान। ये 9th बटालियन का जवान था और ये कौरमुक का रहने वाला है। 23-24 की रात को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें जो शांति बाजार थाने की पुलिस थी, ये शांति बाजार थाने में उस समय था, तो पुलिस ने एक गाड़ी को चेस करना शुरू किया। संदेह अवस्था में वो गाड़ी जा रही थी, ये लोग ड्यूटी पर थे, उन्होंने चेस किया, अचानक उसने गाड़ी रोकी ड्राइवर ने और जंगल की तरफ भागा। इन लोगों ने भी गाड़ी रोकी और इन लोगों ने उसको ड्राइवर को चेस किया। गाड़ी से जंप करते समय जल्दी के समय में ये हमारे जो जवान हैं वो गाड़ी से जब जंप करे तो गिर गए, इनको इंजरी हुई और बाद में 27 तारीख को इनकी जीबी हॉस्पिटल में दुखद घटना है कि मृत्यु हुई। और वो जो गाड़ी थी वो पकड़ी गई और वो भी एक चोरी की गाड़ी थी, तो पुलिस की ड्यूटी करते हुए ये शहीद हुए। इनके परिवार को हमारी तरफ से विशेष विशेष संवेदना एवं श्रद्धांजलि उस अमर शहीद को, श्रद्धांजलि उन सभी अमर शहीदों को जिन्होंने पिछले एक साल में देश की खातिर, जैसा कि आपको मालूम है पुलवामा भी अटैक हुआ, उन सब के भी शहीद इसी में शामिल हैं। और उन सबको मैं त्रिपुरा पुलिस बल की तरफ से अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि भगवान दिवंगत आत्माओं को चिरकाल तक शांति में रखे और उनके परिवारों को इतना साहस दे कि वो इस कमी को पूरा कर पाए। आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी इन लोगों को कभी भूलते नहीं हैं, इनके परिवार का हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने अंतिम बलिदान दिया देश के लिए दिया, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। इस दुनिया से सभी को जाना है परंतु देश की रक्षा में जिन्होंने शहादत दी वो अमर शहीद हैं। हम उन सभी को नमस्कार करते हैं। जय हिंद।